భవానీ సైతం నమామి మందార మాలాంగులతాలుగాయై కృపాల మాలాంగుల శేఖరాయై దివ్యంబరాయై జనిగంబరాయై నమః శివాయై చ నమః శివాయ జలేన సిద్ధికరణం దేవాభివందనమాత్మాభివందనమాశిశోద్ధరణం మా హరి ఓం మా యజ్ఞేన యజ్ఞమయ జంత దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాణ్యాసన్నా దేహనాక మహిమానః స జంత యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సంతి దేవాః ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै सर्वदविश्वस्मात्तौ सम्भावयान्तमति सम्भवद्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्निश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम यदुनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालो ध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वराः वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की नर्मदा मैया की जय राधा रानी सरकार की जय नमः पार्वती पते हर भगवती भगवती भगवती
कोई कथा साधारण कथा नहीं। हम परमात्मा की गोद में ही बैठकर रस पान करेंगे। हमारे कुल देवता कुल देवी, हमारे माता पिता गुरु, जिनका भी आशीष हमारे जीवन में है, जिनकी भी भगवत रज चरण हमारे जीवन में प्रवेश करती हो, उन सबका प्रेम से स्मरण करें और हृदय से बिल्कुल धन्यवाद के भाव के साथ हम परमात्मा के नाम संकीर्तन से अपने मन और वाणी को इस स्थान पर गोविंद के साथ थोड़ा तालमेल बिठा दें। सत्य जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे
प्रजाननमूतगणाधिसेवितं कंसजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकरं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। आइए आप सबका इस मंगलमय कथा ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत। हम प्रतिदिन कहेंगे कि आज हम कथा में अवगाहन करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है और अवगाहन करने का अर्थ यह है, जैसे हम लोग नर्मदा जी जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, तो जब थके हारे लोग जब भर गर्मी में भी जाते हैं तो अपने कपड़े अपड़े निकाल के घाट पर रखते हैं और नर्मदे। हम भी अपने अंदर के मेले कुचेले मन को थोड़ा बगल में रख देंगे और उतरेंगे धीरे धीरे सीढ़ियां और डुबकी लगाएंगे। ये अवगाहन हम प्रतिदिन इसमें कथा में प्रवेश करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तीरेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। हम सभी के जीवन का ये परम सौभाग्य और मेरा तो विशेष रूप से सौभाग्य मान, पिछले ही माह एक कथा वृंदावन धाम में हुई थी और उस कथा में ही रसिक भाव लेकर मनोज भैया पधारे और कहीं गोविंद की कृपा उन पर बरस गई और एक संकल्प लिया कि एक कथा मेरे गोविंद के आश्रय में हो, उनके चरणों में बैठकर कथा का पान करूं। इस सुंदर भाव के लिए हम सब इनके आभारी हैं। और इनके पूरे परिवार की वंदना करते हैं जो गंगा धरती पर लाए, उन सबको आज तक पूजा जाता है भागीरथ। जो ज्ञान रूपी गंगा के लिए प्रयास करते हैं और दुनिया के संसार के सब काम आदमी आसानी से कर लेता है सिवाय इस कर्म, बहुत जतन करना पड़ता है, भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं और वो मन परमात्मा में बना रहे और उनकी कृपा सरलता से उपलब्ध हो जाए। और आज हम सभी जो स्वरूप देख रहे हैं यहां पर, यहां तक पहुंचने की यात्रा मनोज भैया के पूरे परिवार को, सभी भाइयों को, उनके पिताजी को, माताजी को, उनकी बेटिया को, पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जब व्यासपीठ से आशीर्वाद मिले तो तब कहना कि जब आरती भजन माता ने गगन से सुमन बहुत बरसे, जब अच्छे काम करते थे तो ऊपर से देवता पुष्प बरसाते थे। और संसार में रहकर भी हम जब धर्म के कार्य करें और व्यासपीठ आपकी अभिनंदन करें तो समझना देवताओं ने फूल बरसाया। मैंने इस परिवार के पूरे भाव को बहुत निकटता से पढ़े। मैं मानसी को भी, जो मानस यात्रा उसकी चली होगी इस कथा तक के लिए, मैं व्यासपीठ उनका भी अभिनंदन करता हूं। कहते हैं एक आयोजन या एक भवन जब बनता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, तो प्लाट खरीदने से लेकर ड्राइंग और आर्किटेक्ट के पास जाना और 50 आदमी के झंझटों को सुनना, फिर ठेकेदारों की झंझट, फिर पंडित जी से मुहूर्त, फिर जाके ग्रह प्रवेश। कितनी लंबी यात्रा है।
इसी तरह ही कथा का प्रकट होना भी अपने आप में इतनी बड़ी यात्राओं को पार करके पहुंचे हैं। बीच में कोरोना जैसी महामारी का समय भी आया, कथा आगे बढ़ गई। सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये वैश्विक महामारी से इस पूरी मानव सभ्यता को मुक्ति दिला। तेरे प्रकोप को हम समझ चुके हैं परमात्मा की, तेरी ताकत के अलावा संसार में कोई ताकत काम नहीं करती। जो ये मैं करा हुआ फिरता था मानव जाति का मनुष्य, मैं ये कर सकता हूं, मेरी ताकत को तुम नहीं जानते, मैं फला हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो शाश्वत सत्य था कि उनके अलावा कोई सच नहीं। मगर फिर भी कोरोना ने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया महाराज कि देखो अच्छे अच्छे लोग बात करते करते हमारे अपने चले गए। और जो सत्य है वो यही कथा ही है बस। जीवन का जो शेष यदि कुछ बचता है तो यही विशेष। इसलिए कथा बहुत आनंद की है। और मैं इसलिए कहता हूं ये विशेष कथा क्यों, हम कहीं और भी कथा सुनने जाते हैं, कई अवसर मिले जीवन में, हम सब लोगों ने बहुत कथाएं सुनी है। यहां सब ज्ञान से पके हुए फल, सभी ज्ञानी हैं, सभी को परमात्मा के प्रति प्रेम है, क्वालिटी आई है, यहां अच्छे लोग आए। वृंदावन भगवान की माया जिसको न सताए उसे ही यहां तक बुलाती है। मैं उन सब लाइव सुन रहे उन श्रोताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं कि यदि आपका चित्त इस समय चैनल पर रहकर कथा भी सुन रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आप वृंदावन का ही लाभ ले रहे हैं। क्योंकि पूरा विषय मन का ही कि हम कथा को कैसे सुने, और कथा जरूरी क्यों है। अभी अकेले में एकदम से मनोज भैया से पूछा जाए कि कथा क्यों करा, कोई और प्रयोजन करो तो उसका कुछ फल मिले, पैसे भी आए, 8-10 दिन धंधा करो अच्छे से, यहां तो जाने वाला काम है, तब कथा क्यों की जाए, क्यों सुनी जाए, क्या जरूरी है। अच्छा ये सब तैयारी भी कर ले तो बहुत लोग कथा में पहुंचने के बाद भी ये कहते हैं बहुत कथा सुनी है, कोई नई बात नहीं है ये कथा। जैसे 4 लाइन में रामायण कथा हो जाती है, ऐसी कृष्ण कथा को भी 4 लाइन में सुनाई जा सकती है। क्या हुआ भागवत जी को, कृष्ण का जन्म होगा प्रथम दिन, हमारी मानसी ने 7 दिन को विभाग में बांटे थे, पहले दिन क्या होगा, महात्म सुनाया जाएगा महाराज, दूसरे दिन सुखदेव जी महाराज आएंगे परीक्षित को कथा सुनाएंगे, ज्ञान सत्र की चर्चा होगी, तीसरे दिन की कथा ध्रुव प्रहलाद के चरित्र पर, जड़ भरत जी महाराज के चरित्र, चौथे दिन राम जन्म कृष्ण जन्म, 5वें दिन गोवर्धन महाराज, 6वें दिन रुक्मणी विवाह, 7वें दिन सुदामा चरित्र और भंडारा। ये इतनी सी बात को समझना है तो सब तो यही करते चले आ रहे हैं। मैं भी बहुत चिंतन करता हूं जब आप लोग यहां आते हो, तो मैं जब वहां से चलता हूं तो मैं भी जब पहुंचता हूं कहीं कथा सुनानी है तो मन में मेरे भी भाव उठते हैं, आपको सुनने के भाव होते, मेरे भी सुनाने के भाव होते। तो भगवान की कथा ये जिस कठिनता से उपलब्ध होती है, और मैं आपको बार बार इस बात से ये कह रहा हूं कि कथा विशेष वृंदावन की कथा, आप जब भी अपने कमरे में बैठे आंख बंद करके अनुभव करना 5-10 मिनट ध्यान मेडिटेशन का, और करना कि मैं कहां हूं, मैं वहां हूं जहां गोविंद चलते थे, जहां ग्वाल बाल घूमते थे,
जब भी मन करे चरण रज को पकड़ना, माथे पे लगाना, मेरा अहो बात। कल कल निराद करती बहती यमुना महारानी के सानिध्य में, साक्षात गोविंद के सानिध्य में, इतने परम धाम में बैठकर भगवान की कथा का आश्रय ले रहा। तो हम इस कथा को विशेष बनाएंगे, गोविंद से ही प्रार्थना करेंगे कि हम इस सुंदर उपवन में परम धाम में आए हैं, ये गोविंद हमारी कथा में हमारा मन लगा। और हम सब लोग ज्ञानी हैं, बस कथा होती थोड़ी विवेक के साथ सुनने की बात, क्योंकि कथा है भागवत महापुराण जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी सब जानते हैं। मगर भक्तों की आप श्रेणी देखोगे ना, सब तरह के, कोई भक्ति ही कर रहा है अकेला, बस कोई ज्ञान में है अकेला। और जहां भक्ति है, ये समझना कि ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं, वे हमेशा रहेंगे। यदि भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य जरूर है, नहीं तो फिर भक्ति नहीं है, ये मान के चलना। यदि भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य है, अब ज्ञान कैसा वैराग्य कैसा, आगे ऋषि प्रश्न करेंगे, हम इसका महत्व भी चर्चा करेंगे। अच्छा, वो कथा की बात है कि भागवती दो तीन दिन आदमी को थोड़ी सी रूखी रूखी लगती, क्योंकि ज्ञान चर्चा में हम लोग कहते हैं रामायण जी बंद करो, तुम्हारी आप बहुत सुन ली, सुनने का मन नहीं करता। इसीलिए आजकल भागवत जी में बड़े बड़े पोस्टर में लिखा जाता है, क्या लिखते महाराज, संगीत में भागवत कथा। इसके पहले यदि तुम आज से 20-25 साल पहले जाओगे तो ये बाजा गाजे कुछ होते नहीं थे भैया, अच्छे अच्छे व्यास पुराण के बांटने वाले लोग दो दो सत्र में कथा करते थे, सुबह 9 से 12 करेंगे, फिर शाम को 2 से 5 करते थे, 6-6 घंटा कथा करते थे, लोग सुनते थे। एक ढोलक वाला भी नहीं बैठता था बगल, पर वे लोग सुन लेते थे, वे सुना भी देते थे। अभी तो कठिनाई बैठने की है, इसीलिए संगीतमय कथा लिखते हैं, क्योंकि अब जीवन से संगीत चला गया। शायद पहले जीवन बहता था, संगीतमय था, लोगों का आनंद में रहते थे, भगवान का भजन करते थे, आवश्यकताएं कम थी, जीवन का एक अपना स्तर था, इसलिए उसमें आनंद था। तो हम अपने जीवन में कहीं छूट गए आनंद को प्राप्त करने के लिए, ये संगीतमय जीवन बनाने के लिए संगीतमय कथा बहुत जरूरी है। या कई बार 2-3 घंटे बहुत बोल दिए तो आपसे सुना भी नहीं जाएगा, जैसे आज की दिन की स्थिति तो हम ये समझे कि कल रात के थके हुए लोग ऊपर से कलश यात्रा भी भव्य कराई और फिर बढ़िया भोजन भी हो गया है, अब पंडित जी आप बोलो कि यहाँ बैठो, तो सब कठिनाई कठिनाई वाले काम। इसलिए बीच बीच में भजन, जिस तरह आयुर्वेद की कड़वी दवाओं को सहज के साथ चटाएं, इसी तरह कोई ज्ञान की बातें आपको बोझिल लगे तो संगीत के साथ आपको प्रदान की जाती है हमारी भावना। मैं मनोज भैया नाम भूल जाता हूं, परिवार पूरा नौगरैया परिवार, रतुआ बहुत आवश्यक है। मैं व्यासपीठ से गोविंद को सुनो, आप सुनो या मत सुनो, कि परमात्मा तेरे लिए कौन याद कर रहा है, तुम्हें इस परिवार पर कृपा करना, श्रीमती राम कली जी और राम गोपाल नगरैया परिवार और सभी चारों भैया चावल भी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रु रामायण साहब, यहाँ कौन कहता करी हुए बताओ, युग तो विचारों से चलता है, भावनाओं से चलता है। हम युग में यदि सद विचार है, सब भाई भाई के साथ रहते हैं तो राम राज्य, घर में रोज कलह है तो रोज कलयुग है। हर युग में हर तरह के लोग रहे, जब पुराण सुनते तो बड़े बड़े राक्षस कैसे कैसे विचित्र हैं,
राम कथा में मंत्र जैसी भी है, तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाह रहा था, मानसी आपने एक अच्छी कविता लिखी थी, वो मुझे उपलब्ध नहीं है, आ जाए तो मैं उसका जरूर सुनाऊंगा कि कितने सुंदर भाव मानसी ने प्रकट किए अपने गोविंद के लिए, अपनी कथा के लिए। हम कहते हैं कि साहब कथा तो वैसे ही हो गई, यदि 8-15 दिन से घर में उत्सव चल रहा है, टिकट बन रही है, पूजा की सामग्री खरीदी जा रही है, ब्राह्मणों से संपर्क किया जा रहा है, लाने के लिए 2 दिन पहले यहाँ जाते हैं यजमान, हमारे संगीत वाले भैया आ जाते हैं सब दूर दूर से, भरतपुर से, ये सब आयोजन करते करते समझो आपका भाव तो अच्छा हो ही गया, और हमको 7 दिन तक इस कथाओं में इसके महत्व को समझना है कि, क्योंकि ये समझ लीजिए कि हमारे जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, इनके महत्व सबसे पहले आता है कि इसका महत्व क्या है, या और हिंदी करें तो महत्व क्या है, और अंग्रेजी कर लो थोड़ी सी तो इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मनुष्य को जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम लोग जहां जा रहे वहां है क्या, इसका महत्व क्या है, तो हम इसके महत्व पर प्रकाश डालें। कि भगवान जी की ये कथा जितने अच्छे कि हमने आरती गाई, पापियों के पाप से हरती है, पंचम वेद निराला है, इसलिए भगवान जी की इस कथा में परिचय आप ये समझ लें कि इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण है, और ये जो भागवत जी रखी आपके सामने, ये मात्र कोई पोथी नहीं है, ये 12 स्कंद और 18,000 श्लोक सहित मेरे गोविंद के रोम रोम समझना, पूरे शरीर का विग्रह मानना, सिर के बाल से लेकर नख तक नीचे मेरे गोविंद का कोई स्वरूप आपके मन में झलकी बैठती है तो वही परमात्मा की भागवत जी की प्रतिमूर्ति, तेरे यमान साक्षात प्रतिमूर्ति, उनकी साक्षात प्रतिमूर्ति, हम गोविंद के इसमें दर्शन करें। जब भागवत जी कलश यात्रा के लिए उठाई तो मैंने यही कहा, मनोज भैया भागवत मेरा गोविंद अब सर पे है, और जब सिर के अंदर जब भजन हो और भाव हो परमात्मा के, तो जीवन कितने सुंदर दशा में जाएगा इसका हम अंदाज नहीं लगा सकते। सांसारिक चिंतन से मन दुखी है, परेशान, हम कितनी तरक्की की बात करें, साइंस ने बहुत बड़ी प्रगति करी, जितनी प्रगति साइंस ने करी उतनी ही पिछड़ी श्रद्धा है तुम्हारी, विज्ञान की प्रगति के चक्कर में हम श्रद्धा को खोते गए, और श्रद्धावान डबते, गीता जी ने कहा, रामायण जी ने भी कहा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर है, याभ्याम बिना न पश्चित, इनके बिना हम दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धा और विश्वास दोनों पहिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसके महत्व को समझें। कि भागवत जी आपको यह बताओ कि पौराणिक महत्व तो अपनी जगह है, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो भागवत जी में कभी कभी आए थे, महाराज मांसाहार करते थे, मदिरा पान करते थे, मेरे गोविंद की कृपा हुई, सात्विक जीवन जीते, भगवान का भजन करते, यही महत्व समझ ले हम आज की तारीख में, तो कितनी बड़ी बात, क्यों नहीं भागवत जी सुननी चाहिए, क्यों इसका आश्रय नहीं लेना चाहिए, जब ये सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कथा है, सब मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं, और हम संसार में फंसे हुए प्राणी हैं, इसलिए एक तो जीवन में कल की शाम तक भी आपके जीवन में जो हुआ भूल जाना, हम अब नए हो गए वृंदावन में, ये मान लो कि एक नए जन्म आज मिला है, कोई पुराने विचार मन में आने ही ना दे, न पाप न पुण्य, सब सब साफ कर दिया, एकदम कोरा कागज,
क्योंकि गीता का ज्ञान भी गोविंद ने जब अर्जुन को दिया तो संकेतिक अर्थ समझने की जरूरत है कि अर्जुन श्वेत एकदम सफेद वस्त्र पहने और मेरे कृष्ण सांवले काले हैं। अर्थात यही है कि यदि जो एकदम सफेद है उसी पर हस्ताक्षर किया जा सकते हैं, सफेद कपड़ा है तो उसे रंगीन किया जा सकता है और रंगीन को नहीं। इसलिए अभी तक जो भी ज्ञान हमारे अंदर है उसे हम थोड़ी देर के लिए जहां जूते चप्पल छोड़ गए वहीं छोड़ जाए। कई बार हम अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि हमने ये सुना था, हमने वो सुना था, हमको ये पता है, हमको वो पता है। हम एकदम नए हो जाए। मैं इसलिए कहता हूं पाप पुण्य सब बाहर विसर्जित करें और एक भाव से परमात्मा के चरणों में हमारा मन लगाएं। ये कथा पुण्य को प्रदान करने वाली, आपके जीवन को संवारने वाली है, गोविंद को मिलाने वाली, श्रद्धा तो पैदा करें। हम बस हमारी श्रद्धाएं यदि मजबूत होती जाएंगी परमात्मा उतना करीब आ जाए। और जितनी जितनी बार निरंतरता चाहिए धर्म के लिए, हम जब किसी चीज का नियम छोड़ देते हैं तब ही परेशानी होती है। निरंतरता चाहिए इसमें, सत्संग में चाहिए, अभ्यास में चाहिए, ज्ञान में चाहिए। आप सदा सेवन करें इसी बात का कि मुझे भगवान के आश्रय में रहना है, भगवान के ही काम करना है। सांसारिक कर्म करने की कहीं शास्त्र में मनाही नहीं है। भौतिक रूप से खूब उन्नत हुई है, खूब समृद्ध हुई है, मगर आपके जीवन की यात्रा में कोई भी स्पीड ब्रेकर नाम की कोई चीज है कि नहीं? एक स्पीड से भी गाड़ी चली जा रही है आपकी तो एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। मैंने आज ही एक लेख पढ़ा, हम बहुत विनम्रता के साथ हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जी का श्रद्धांजलि भी देते हैं इस व्यास। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जितने श्रेष्ठ कलाकार हैं भगवान के अवतार हैं। अंतिम समय में यदि वो लेख हम पे भी सूट करता है कि मेरे बंगले में करोड़ों अरबों की कारें खड़ी है मगर मैं व्हील चेयर पर ही चल सकती हूं, पैसा की कोई कमी नहीं है, अब वो मेरे कोई काम के नहीं। दर्जनों नौकर काम करते थे, अब दो नर्स के सहारे चलते। एक से एक महंगी साड़ियां मेरे पास रखी हुई है, एक से एक हेयर ड्रेसर आया करते थे, अब सर पे बाल, पहनने को कपड़े नहीं। जीवन का सत्य, तो जब जीवन में सब कुछ अपने पास है, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, तन है, धन है, तो उपयोग करके फिर भगवान का भजन क्यों नहीं करें? अच्छे रहते रहते हम भजन कर ले, यात्रा कर ले, तब तो ठीक। कितने लोग घुटने दर्द कमर दर्द के कारण कथा में नहीं पहुंच पाते महाराज, और मानसरोवर की यात्रा बोलो तो और न जा पाएंगे। इसलिए बहुत प्रेम से कथा में समझना, मेरा आग्रह है सात दिन की कथा आपके लिए और से समझना। ये ऐसी वैसी कथा मत समझना जो हम लोग कथा के बारे में राय रखते हैं, बहुत सुनिए। सात दिन की कथा है, आखिर तीन दिन चल जाएंगे। कितनी तारीख को आएंगे महाराज? 19-20 आज ही एक जजमान का फोन आया भोपाल से, पंडित जी मैं कल पहुंचूंगा, आज तो कुछ खास है हमारी खास है। हम कथा सुन भी रहे कि नहीं रहे पता ही। अरे सात दिन रखी गई कोई प्रयोजन है? यदि आपको एक ही दिन कथा अटेंड करना है और इस डर से करना है कि मनोज भैया ने निमंत्रण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया भी आप नहीं आएंगे हमारे घर, यदि ऐसी रिश्तेदारी भी निभ रही है तो भी सावधान हो जाना। आप तो आज जितने भी हैं, मैं तो आज की गिनती लगाऊंगा, कल एडिशनल हो तो अलग बात है, मगर आप सात दिन तक इस कथा का पूरा श्रवण करना,
क्योंकि ऋषियों ने बताई परंपरा पर विश्वास करना, भरोसा करना कि आपके जीवन को बदलेगी और गोविंद से मिलाएगी मुझे, ऐसा रोज चिंतन करना आपके हृदय में। व्यास जी ने लिखा है कि जहां भगवान की कथा होती वहां मैं होता हूं। आप समझ के चलना और भरोसा करना कि इस कक्ष में कहीं न कहीं मेरा गोविंद बेटा बेटा आप सबको देख रहा है। इस पूरे आयोजन पर परमात्मा की निगाह है, वे आपको देख रहे हैं, इस भाव से रहना। और जब भगवान हमको देख रहा हो, भगवान हमारे साथ हो, तो फिर तो हमें गंभीर होने की जरूरत है। इसलिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी कथा सुनी है आपने, वहां आप समय लेकर जाते थे कि यदि 12 से 3 है या जो भी समय है, ये 3 घंटे ही बहुत भारी पड़ता मनुष्य को, आखिर में चले जाएंगे। चली जागी उम्र धीरे धीरे, इसलिए भजन करो भैया। चली जागी उम्र धीरे धीरे, उम्र भी पल पल
मेरे गोविंद ही कर रहे। तो भगवान का स्वरूप समझ पाए, सच्चिदानंद रूपाय विष्णुर पत्यादि एकमेश्वर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। मैं भूल जाऊंगा, ये आपसे शेयर करना चाहूंगा, आज ही के दिन जरूरी है। आप सबने एक बात बताओ, ये निमंत्रण पत्र गया थी, ये वाली चीज सबने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? हाथ ऊंचे करो जिंदगी में। मैं नहीं पढ़ी हूं, हाथ ऊंचे करें। जिनने पढ़ी गई हाथ ऊंचे। हम मतलब मैं सुना सकता हूँ इसका मतलब। देखो साहब, भागवत सुनने का महत्व कितना है। संतान अच्छी होती है ना घर में तो भागवत बोलते हैं उनको, उनके भाव देखिए। लोग कितने कलयुग आ गया, बच्चे खराब हुए, बिगड़ गए। ऐसे प्यारे बच्चे जो आज भागवत के आयोजन में रात दिन लगे। और मेरा विश्वास है, नई पीढ़ी यदि हम संस्कारवान रहे और हम लोगों ने बच्चों को समय से संस्कार दिए, भजन भगवान के भजन करने बिठाए, तो ये भागवत भी चलती रहेगी। ऐसा मेरे को जो सुंदर लिखा ध्यान से सुनना, जो नहीं पढ़ पाए कोई बात। रात का दामन थाम कर नारायण हुए अवतरण धरा पर, गोकुल में है ऐसा उत्सव आया कि फीकी पड़ जाए कामदेव की माया। या नहीं तो देखो सब, इतनी बड़ी बात दिखती, दुनिया में काम ही सताता है संसार, और उनकी माया फीकी पड़ रही भगवान की कथा के आगे। सोचना कितने चीजें बहुत भाव से लिखी हो इस संसार में। यदि कई आदमी का संसार इस पुरुष का मन भटकता तो काम नहीं भटक, यदि उससे निवृत्ति मिल जाए भगवान। गीता में तो भगवान कहते हैं मम माया दूर, कहते हैं तो मेरी माया है और मेरी माया से तो परमात्मा आप ही बचा सकते हो। तो गोविंद बचा रहे हम सबको अपनी नटखटता से, नींदे सबकी उड़ाई, मोह लिया मन सबका ऐसी बंसी बजाई। वृंदावन में आई खुशियां, हरियाली है छाई, कमल नयन और सांवली सूरत हे सबको भाई। अनुपम दृश्य अनोखी लीलाएं हैं रचाई, राधा के संग रास रचाया गोपियां भी संग आई। प्रेम भाव का जगत को ऐसा पाठ पढ़ाया कि हर घर मंदिर कृष्ण संग राधा को पुजवाया। मथुरा को धर्म स्थल बनाया, पार्थ को कुरुक्षेत्र में धर्म सिखलाया, जीवन की रणभूमि में माधव बन जाएंगे सारथी। हो अगर प्रहलाद सा विश्वास और भिलनी सी आस, द्रौपदी सी पुकार और मीरा सा इंतजार, आमंत्रित है आप सभी इस ज्ञान यज्ञ कथा के श्रवण को। कुछ इस तरह से सुने कथा के हर भाग को कि किरदार में शामिल करें हम गोविंद के चरित्रार्थ को, जिनकी पुण्य कथा महका दे जीवन के बाग को। बहुत जोरदार। मुझे लग रहा है मानसी में एकदम घंटे से जो बोल रहा हूँ वो सब लाइन इसी में है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। गोविंद तो है इतने प्यारे, सच्चिदानंद रूपाय विशोद पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब भगवान के स्वरूप को यदि समझना हो तो भगवान कैसे होंगे? पुष्टि मार्ग के प्रदाता श्री वल्लभाचार्य जी, देखो भगवान को भजने में रामानुजाचार, निम्बकाचार, वल्लभाचार, रामानुजाचार, कई संप्रदाय, सबका लक्ष्य एक तरह से कर्म परमात्मा। सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जो भगवान गोविंद में बाल छवि को देखते हैं, और जब वल्लभाचार्य को श्रावण शुक्ल एकादशी
मध्य रात्रि को गोविंद ने साक्षात दर्शन दिए। आप मानिए ग्रंथ पे आज 400-500 साल के समकालीन सब रहे, रैदास, कबीर, इन सब ने भगवान को पा लिया और उनके स्वरूप जो मैं कह रहा हूं कि सच्चिदानंद रूपा पे है, उन्होंने भी तो किसी गुरु को सुना, गुरु की बात मानी। हमारे जीवन में कलयुग में समस्या यह है कि महाराज हम मानते ही और सुनते भी कम। शेक्सपियर ने तो अपनी आखिरी लाइन जो साहित्य लिखा उसमें लिख गया कि संसार में सबसे कठिन काम है सुनना। सुनना बहुत सुन नहीं सकते, क्योंकि सुनने से पहले मेरे अपने इनपुट धरे रहते हैं, ऐसे 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 चलता रहता। हम पहले रिक्त तो हो, जगह तो दे कोई चीज को आने के लिए। प्रवेश तो तब करेगी जब अंदर खाली होगा, अंदर भरे है तो प्रवेश कहां से हो मेरा। जब वल्लभाचार्य जी को भी भगवान के दर्शन हुए और भक्तों ने पूछा कि कैसे दिखते हैं भगवान, तो उन्होंने बहुत सुंदर मद्राष्टक गाया, आइए हम उसको भाव को दोहराएं, सबको दे दिए। आपके तक मैं मद्राष्टक बहुत कली कल में भोपाल से छपवाया है। स्पेशल मुझे स्मरण आया, मैं बैठा था कार्यालय में, मुझे लगा कि ये बात हम सब लोग साथ गए। अच्छा, कई बार मैं होता हूँ भजन, तो हमारे भैया लोग बहुत अच्छा गाते हैं और आप घर में भी टेप रिकॉर्ड लगा के नाच भी सकते हो, गा भी सकते हो, इसकी कमी नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि भजन आप गाए, आप ही जुड़े, आप ही साथ साथ उसके साथ लगे। सबके तक पहुंचना मधुराष्टक, आप प्रेम से अच्छे से गाएंगे इसका, क्योंकि ये वो बात है कि यदि भगवान के स्वरूप का परिचय हुआ तो कैसा हुआ। वल्लभाचार्य जी ने भगवान को देखा तो कैसा लगा होगा। अधर्म आप साफ कर ना, सब मैं कहूं फिर ऐसा कुछ करते हैं। अधर्म मधुरम वदनम मधुरम इसलिए आप भाग्यशाली हैं जो कथा श्रवण करना है लाइव में भी और जो बैठे हैं यहाँ भी और हम भी और ये सारे के सारे भाग्यशाली उस परमात्मा की भगवान के भक्ति ज्ञान वैराग्य के सत्र में बैठे हुए। हम अपने आत्मा को मांझने की काम करें, हमारे पास बर्तन तो है, ज्वेलरी है हमारे पास अच्छी चांदी की, या यूं कहो कि भगवान की पूजा के बर्तन जब तांबे के होते ना तो हम सूत पीताम्बरी से मांझो तो ही साफ होते, नहीं तो नहीं होते, सरफ से भी साफ होते। ये आत्मा संसार और विषय के प्रभाव में आकर थोड़ा धब्बा लग ही जाता है 24 घंटे पर, तो सुबह उठो और अपने पीताम्बरी से जगह जग कर कपड़े से पोछा फिर आरती शुरू। ऐसी आत्मा के 24 घंटे में कोई विकार आ जाए, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दोष पड़ जाए, फिर भगवान के सामने बैठो, अपनी घंटी हिलाओ, फिर भगवान ठीक कर देगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो साहब, इस तरह से आत्मा का भी चार्ज करते हो। इसलिए भजन जरूरी है, इसलिए कथा जरूरी है। हम सनातन संस्कृति के बालक है, हम बड़ा बड़ा गोत्र लिखते अपन ऋषियों की संतान है, क्यों कथा नहीं सुनते। अरे उन्होंने हजारों वर्ष खपा दिए इन ग्रंथों को लिखने में, महाराज हम 7 दिन बैठ के नहीं सुनिए, 3 घंटे नहीं सुन सकते, कैसा जीवन। हर स्थिति में भागवत का आश्रय लेना चाहिए और आज सूत जी महाराज बैठे निमिषारण्य में, सारे ऋषि बैठे, उन ऋषियों के भी यही प्रश्न है जो हम सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते। अज्ञान भ्रांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभं सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। हे सूत जी महाराज, मेरे जीवन का अंधकार, पिछली कथा में मैंने आग्रह किया बड़े बड़े सूत्र लगवाए थे, आप भी बोलो 3 सूत्र, वेदों के मंत्र है, उपनिषद है, बोले मेरे साथ मैं बोलूं फिर आप बोलूं।
असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। परमात्मा और गुरु से यही प्रार्थना ऋषि कर रहे जो हमारी प्रार्थना हो सकती है, हे प्रभु आप मेरे अज्ञान को बदलने के सक्षम हो, आप कोटि सूर्य के समान आपकी प्रभा है और आपकी प्रशंसा क्या करूं यदि एक सूरज उगता है पूरी अंधेरी रात को उजाले में बदलता। महाराज आप करोड़ों कोटि सूर्य के समान मेरे सामने प्रकट हुए, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दो प्रभा, ये प्रार्थना आपकी भी होनी चाहिए आपकी। ये प्रभा जन्म जन्मांतर का अंधेरा दूर करे, तमसो मां असत्य से सत्य की ओर चलना है और मृत्यु से अमरता की ओर। हम जीते जी जीवन जीएंगे और अमर हो जाएंगे, इसलिए सदगुरु मिल गया है। आज सूत जी गुरु रूप में बैठे हैं, यातन विषय की बेल री और गुरु अमृत की शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता। इस आत्मा को एक अच्छा कोई बताने वाला मिल जाए, कोई समझ वाला मिल जाए तो जीवन का कल्याण मिल जाए। दूसरी बात उन्होंने बोली, भक्ति ज्ञान विराग्या तो विवेको वर्धतो महा। पंडित जी समय तो, अच्छा हम बोल तुमको देख के हमारे मन में घड़ी देखने लगती है, ये जिले महाराज ये जैसे ही आरती की थाली इधर उधर करे समझ लो आरती का, हम तो घड़ी देख ही नहीं पाते। गोपाल कृष्ण भगवान उनकी प्रार्थना हमारी भी प्रार्थना है, भक्ति ज्ञान विराग्य तो विवेको वर्धतो महा माया मोह निराश वैष्णवे कृते प्रथम। हे भगवान ऐसी कथा सुना जिससे भक्ति ज्ञान विराग्य से भरी हुई और मेरे विवेक को महान बनाती है। और दूसरी बात कहते कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तत्वदात्म, कृष्ण की प्राप्ति जिससे हो जाए वो कथा हम सुन। इनके सुंदर प्रश्न के बाद सूत जी उन्हें समझाते कि सावधान तलैया पर, कई बार कथा में आता है कि सावधान, सत्यनारायण कथा में भी आता है सावधान सावधान करते हैं कि सुनो, क्योंकि कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो रही कि जैसे तुम्हें ऐसी सुन, सावधान करते हैं सूत जी के आप लोग ध्यान से सुनो। उनके सारे प्रश्न छह ही प्रश्न थे लगभग, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते सूत जी महाराज, काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम करो के ऋषियों। इस संसार में मरने का डर है मनुष्य को सबसे ज्यादा, मरने से भय डरता है। और इससे अंदाज लगा लो कि यदि कोई गांव के तो है सब लोग अपन यहाँ लगभग है, पता लग जाए कि उस नदी के पास पीपल में भूत है तो जब रात को गुजरो 12 बजे तो सही में डर लगता है, वो पूरी हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं। डर जीवन में, भय है मृत्यु का, तो पूरे जीवन आदमी चाहे कितने बड़े से बड़े आतंकवादी भी हो ना महाराज, सबसे कमजोर तो वही हो, उसे मरने का डर है। कितनी खराब आदमी हो, गुंडा हो, डाको, सबको मृत्यु का डर है। काल के गाल में समाए हुए लोग हैं, हमें पता ही नहीं, हम कभी भी ग्याल है ना अजगर, अजगर के मुंह में विराजमान है सब लोग पूरा संसार, जब चाहे परमात्मा दस सकता है, जब चाहे ग्याल से आपके टिकट काट सकता है और एक आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको जिंदगी में निर्भय कर सकता है, तो वो शास्त्र है श्रीमद भागवत महापुराण। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जन्मांतरे भवे पुण्यम
तदा भागवतम लवे। जन्म के कई बोले गोपाल कृष्ण भगवान मेरा मन क्यों वहां लगता। आइए सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ही शास्त्र का सार है और आप सबने कथाएं सब सुनी है, सबको पता है। नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आते हैं, यहाँ वृंदावन धाम में भक्ति माता की जो स्थिति परिस्थिति देखते हैं, बद्री धाम में जाते हैं, सनकादिक मुनियों से परिचय होता है और कहते हैं कि नारद जी आप तो सबका दुख दूर करते हैं, आप मुंह लटकाए। तब नारद जी ने सारी बात बताई, मैं वृंदावन गया जहां भक्ति स्वयं युवती यौवना एकदम जवान और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में बूढ़े हो गए। मैंने बहुत प्रयास किया, मंत्र तंत्र वेद उपनिषद सब सुना है, थोड़ी देर तो मुर्झा जाते फिर भी हो जाते महाराज। उनका उपाय कैसे दूर हो ये सनकादिक ऋषि से नारद जी ने प्रश्न। संकादिक मुनियों ने कहा कि हे नारद जी आप भी कैसी सब बात भूल गए, आपने ब्रह्मा जी को बताया, आपने व्यास जी को बताई, उन्होंने भागवत जी लिखी, ये ग्रंथ है जो सब दुख दूर करेगा, यही ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली कथा है। और कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रे यदि संसार में किसी के लिए कोई सेवन करने योग्य वस्तु है तो मात्र श्रीमद् भागवत जी कथा। इस कथा को सुनने से उसके जीवन में भक्ति तो प्रकट होगी, ज्ञान वैराग्य पुष्ट होकर परमात्मा से मिला देगी, ये कथा है। नारद जी ने व्यवस्था जुटाई, हरिद्वार में आनंद तट पर भागवत कथा का आयोजन की तैयारी की गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य के पुत्रों सहित सभा में पधारे, स्वयं सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा का और विमान आया। सभी को देखते देखते महाराज विमान में बैठकर धुंधकारी स्वर्ग को चले, आकाश में बैठने वाले देवता आश्चर्य कर रहे थे कि हम पहले इस कथा के महत्व के बदले इसके महत्व को अब हम समझ पा रहे। तब ब्रह्मा जी ने भागवत कथा के महत्व को समझाया कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, मुक्ति मिलती है, वैकुंठ जाता है, विमान आता है। अब जितने लोग बैठे थे सबके थे हमारे क्यों नहीं है, आप तो अभी बताओ 23 तारीख की शाम को यहाँ विमान बुलवाए कौन कौन जाएगा। ये जाना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, इसलिए उस कथा में भी जो जानना चाहता था वो चला गया। और विमान भी उनके जीवन में आता है, विमान का यदि संधि विच्छेद करे तो शब्द दो शब्द से बना हुआ, भी अलग करो और मान करो, विगत मान, जिसने अपने मान और अपमान को विदा कर दिया। चीता मन प्रशांत परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से मुझे वही पसंद है जिसको जीवन में मान और अपमान से दूर निकल गया, सुख दुख छोड़ दिया है, वो प्रशांत आत्मा मुझे पाता है। इसलिए हम धीरे धीरे अपने जीवन से मान और अपमान वाली बात कम से कम 7 दिन तो दूर कर लेना, क्योंकि अब इस कथा की विधि बता रहे महाराज कि विधि क्या है। सनकादि की कथा चल रही है, धुंधकारी की मुक्ति हुई, गोकर्ण जी ने फिर कथा करी दूसरे दिन, अपने सब गांव वाले जितने थे सबको विमान में लाके भेज दिया, उनने कहा वो एक मौका दो हमको दोबारा, फिर कथा करी। तो अपन दूसरी बार कथा करेंगे, अभी आपको टाइम देते
बोले गोपाल कृष्ण भगवान। इस सात दिन की कथा की विधि में क्या नियम होना चाहिए? हमको पांच सात नियम आप भी रखेंगे, मैं भी रखूंगा। क्रोध नहीं करना है किसी के ऊपर भी, चाहे जो हो जाए सात दिन तक आप पक्की बात कर लो कि कोई को गुस्सा नहीं होगा किसी से। पवित्रता के साथ रहेंगे, मेरी बात छूट नहीं जाए सब सुन लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं 10-20 लोग ही मेरा ध्यान सब पे है। कुछ नियम कथा के जो सनकादिक ने ऋषि नारद जी को बताए हम भी पालन करेंगे तभी कथा का फायदा मिलेगा। हम क्रोध नहीं करेंगे साथ में, पवित्रता के साथ रहेंगे। पवित्रता के कई अर्थ है, हमारे पंडित जी लोग आप लोग जब बैठते तो मंत्र बोलते ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां पतु यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष सबायाभ्यंतरः। अंदर बाहर दोनों की पवित्रता। बाहर साबुन लगाने से शरीर साफ हो गया, सेंट लगाने से शरीर महक रहा है, मगर अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदा की यदि बीमारी फंसी है तो वे दुर्गंध भी मिटानी पड़ेगी। पवित्रता अंदर भी चाहिए, निर्मल मन, बहुत चेक करना अपने को, रोज चेक करना बार बार कि मेरा मन अभी कैसा है, मेरे कोई खराब भाव तो नहीं रहे किसी के प्रति। चेक योर सेल्फ। और ये बात तब होगी जब मैंने आपसे पहली कथा की शुरुआत में की थी कि कुछ हो ना हो अपने से प्रेम कर लेना, गोविंद से प्रेम हो जाएगा। और जब अपने से प्रेम के लिए इतने नियम जरूर पालन करना है। सतत ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीना है ना। हम ब्रह्मचर्य बोलते तो हम आपको थोड़ा अलग समझते हैं कि जिसकी शादी नहीं हो रही है वही ब्रह्मचारी बाबा है, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं वही ब्रह्मचारी है। ऐसे सदैव ब्रह्म में विचरण करना, सब जगत ब्रह्म का है, अणु अणु परमाणु कण कण परमात्मा का विद्यमान है। धन्यवाद के भाव से जहां भी चलो घूमो फिरो उसी में ही विचरण करना है। और उसके पश्चात दुष्ट भाषण, मतलब किसी से सही में बहुत बुरी बात करने की, और निंदा, इन पांच चीजों से हम दूर रहेंगे। किसी की बुराई नहीं करना है। मेरी माता जी जी भाई भाभी सब जो भी, हम निंदा नहीं करेंगे किसी। निंदा रस है, हमारे भोपाल के डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिखते हैं। निंदा रस एक बड़ा लेख है उनका, वो लेख को संक्षेप में ये समझना कि दो मित्र बैठते हैं किसी की बुराई करते रहते, तीन लोग रहते हैं किसी की बुराई कर रहे हैं दो लोग। यू समझ लो कि यदि मनोज भैया बैठे हो, राधेमोहन पंडित जी और मैं भी साथ बैठा हूं, तो ये दो ही मिलकर किसी व्यक्ति की बहुत देर से बुराई कर रहे हैं। अब उसको मैं नहीं पहचानता, अब मैं नहीं पहचानता तो मैं कब तक सुनू। मैंने इनसे बोला यार तुम उसकी बुराई करो भैया, जिसको मैं भी पहचानता हूं तो मुझे भी रस देता ही है। निंदा से दूर रहना है, गुस्सा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पवित्रता के साथ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सतत निरंतर प्रभु का स्मरण करेंगे। चलते फिरते वृंदावन जा घूमने भी जा रहे हो, विवाद मत करना किसी से, हो सके तो कम से कम बोलना। कमरे में रह रहे हो यहां भी घूम रहे हो तो मन में थोड़ा शांति रखना, जितना बोलते उससे कम बोलना। ये सब विधि है। और कहने लगे नारद जी ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज इसकी विधि क्या है? यादृश्य विवाह है, जैसे विवाह की तैयारी करते हैं हम। विवाह तो दो दिन में खत्म हो जाता है, तो सात दिन तक आनंद चल रहा है। क्या शानदार, अपन ने बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली, खूब नृत्य किया, खूब आनंद किया, रोज कथा में भी नृत्य होगा। इस तरह से हृदय का आनंद खिला रहना चाहिए। तो इस कथा के इस तरह के भाव के साथ उस पूरे कांड पांडाल में सभी देवता भगवान स्वयं गोविंद प्रकट हो गए, भक्ति माता प्रसन्न होकर नाचने लगी, और हम सब भी लोग बांके बिहारी के पास गए, सबके दर्शन होंगे तो क्या हो, पर्दा ऐसे क्यों उड़ाते बार बार।
कथा कल बताते हैं, नयन लड़ जाते हैं। ताई एक सुंदर भजन के साथ और उस पांडा का कीर्तन हुआ, सभी भक्ति माता के साथ बोले, ज्ञान वैराग्य के पुत्र आनंदित होकर नाचने लगे, हमारे मन के भक्ति भाव भी नाचे और भक्ति भी नाचे। झूठी सीख की सोनी मोरी अंगीना में डोले उलझा डुबाने
चली हर प्रहर मुझको उलझा तू बाहे चली हर प्रहर दे दो पतवार वरना ना तर पाऊंगा वरना संभव है मेरी फिसल जाऊंगा वरना संभव बाहर ही खड़े रहते हैं कितनी दूर आ गए
आगे से ले ऑटो मिल जाएगा, उसी में परेशान, व्यवस्था में परेशान, कथा हमने करे और हमें कथा नहीं श्रवण कर पा रहे। मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, समझ में आती, किसी को कोई बात समझ नहीं आती, कोई किसी बात का अलग अर्थ समझ सकता है।
या किसी को समझ में भी नहीं। इन सब जब विषय को सुनने वाले कहते हैं हरि अनंत कहने वाले नहीं, सुनने वाले भी बहुत सारे और सुनने वाले भी अलग तरह से, सबके अलग अलग मत है, क्योंकि हमारा बौद्धिक स्तर जितना है हम उस हिसाब से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। हमने भगवान के प्रति जैसा दृष्टिकोण अपना है वैसी कथा का भाव रखते हैं, और प्रेम की बात जब आए तो हमको लगता है कि हमने जो फिल्में देखी है वैसे ही कोई प्रेम होता है। प्रेम के बारे में तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा लिखा कि प्रेम किसी से सीखना हो तो छोटे से नन्हे शिशु को देखो, सद्योजात भगवान को शिव को सद्योजात शब्द कहकर भी संबोधित किया। छोटे से बच्चे की जब आंख देखो ना आप तो लगता है कितनी प्यारी आंखें हैं उसकी, वही बच्चा जब बड़ा होता जाता है महाराज आंखों का रंग और कलर बदलता जाता है, क्योंकि दोष आते जाते थे मैं और मेरा। भगवान कपिलदेव देवभूति के संवाद में बड़ा अच्छा विषय आएगा, मैं मेरा। छोटा सा बच्चा को आप देखिए शिशु को प्रेम करता है सबसे, उसकी दृष्टि में कोई अन्य भाव नहीं, तो प्रेम की भी यही परिभाषा, और वो प्रेम से ही प्रकट हुआ। आप जीवन में जब मानोगे तभी मानोगे, जिंदगी में जब समझ पड़ेगी तभी है। आप तो निरंतर समर्पण भाव से परमात्मा के भजन हम करते रहे, ये हमारे हाथ की बात है। तो भगवान हम संसार के लोगों को बना सकते, भगवान को नहीं। भगवान डबल स्टैंडर्ड में नहीं जीता, अब जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करता है, जो जैसा ये सांख्य भाव गीता कृष्ण कहते हैं, जिसको जैसा है वैसा स्वीकार कर। मगर हम अपनी समझ के बाद हम अपने मन से ही विभेद करना शुरू कर देते हैं, यह ठीक नहीं है, इससे प्रेम करना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए। अब बात वही है कि भगवान का स्वरूप भी दिखाई दे, ताप तरह विनाशा है। मैंने समझ लिया कि वे दुनिया बनाई उन्होंने, बहुत सारी सुंदर सृष्टि की रचना की, और वे सत चित आनंद भी है, तो मेरे किस नाम के। मनुष्य तो यह बोलता है, भागवत कहती है कि भगवान तेरे भी काम का है, वह ताप त्रय विनाशा, तीन तरह के तापों को जीवन में दूर कर देता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। हमारे जीवन में भी तो ताप भरे हुए हैं, हमारे पास जीवन में संसारिक लोगों के पास भी तीन ताप है, आदि व्याधि और उपाधि भरा। एक वो आदमी दुखी है, वो आधे अभी इतना और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, दो तीन प्लाट हो गए चार और हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए, छोटी गाड़ी चला रहा हूं 100 अब तो बड़ी वाली किया आ जाए तो आनंद आ जाए मेरा। ये दुख है, ये दुख देता है आदि व्याधि, कोई तरह की बीमारी और रोग जब शरीर में लग जाए महाराज तो कितना दुख होता है वही जानते हैं। किसी बुखार वाले से पूछो कितने 56 भोग बना कर रख दो, ऐसे कहता है एक में स्वाद नहीं आ रहा, तो भोजन की गलती है, बीमारी आदि व्याधि उपाधि। आधा वाला यूं ही दुखी था, उपाधि वाले को तकलीफ ज्यादा से हो गई। जिंदगी में मेहनत करी, बहुत बड़ा बंगला बनाया 10,000 स्क्वायर फीट मारा, बच्चे ब्रॉड, कुत्ता घर पर बंधा रहता बाहर, दोनों बूढ़े बढ़िया घर में, अचानक तबीयत एक की खराब हो जाए, कार भी नहीं चला सकते मारा। कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, मगर इस समय जो उनके मन में चल रहा होगा वो दुख पड़ने की कोशिश, कितना भयंकर दुख मिल गया, ज्यादा का दुख हो गया महाराज, इससे कम में ठीक। आधे वाले भी परेशान, बीमारी वाले परेशान, उपाधि, ये तीन तरह के ताप को दूर कर देते हैं मेरे गोविंद की भागवत कथा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, तापत्रय विनाशा।
और इसीलिए जब भगवान से प्रेम करने से सब सुख मिलता है और संसार के कारण इतने सारी बीमारियां चिपकती है, तो सादे सरल भाव में भगवान की पूजा क्यों ना करें। इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, अधर है, उनका हर कुछ मधुर है। जो वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में गाए कि उनका सब कुछ मधुर है, वे भगवान रस स्वरूप है मेरे गोविंद, वे प्रेम से युक्त है, हम प्रेम करें वे प्रेम से ही प्रकट हुए। आप संसार में भी प्रयोग करके देख लीजिए महाराज, दादागिरी से काम नहीं करा सकते किसी से, जो काम प्रेम से हो जाए। सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम सदा हमको प्यारे।
जाए के भगवान की प्रेम की कथा है और गोविंद प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। आइए हम सब मिलकर उनकी इस भागवत के श्लोक एक साथ दोहराए, फिर हम चर्चा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् सांस आप न देते तो मैं ये कैसे महसूस करूं ये मेरा है।
मेरी जिंदगी की तरक्की, मेरे जीवन की सांस, मेरा परिवार सब तो आप परमात्मा। अगली बार से जब भी परमात्मा के सामने ये बोलने जाओ, पूरे भाव से भर के गाना। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव तमेव सर्वम। सब कुछ आप मालिक, सच्चिदानंद रूपा भगवान कैसे हैं? सत्य चित्त और आनंद से, तीन शब्द से मिला हुआ परमात्मा का परिचय दे रहे भारत। पद्म पुराण से लिए गए श्लोक से ही सत्य हम सब समझते हैं। जो जीवन में सत्य है जो कभी बदल नहीं सकता, हमारे कहे हुए सत्य कई बार बदल जाते हैं, और जो सत्य कभी नहीं बदलता है, जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता है, वही सत्य परमात्मा का स्वरूप चाहिए। यदि आपको लगे कि संसार सत्य है, हमें तो यही लगता है ना, अपन सत्य, हमारे घर वाले, बंधन वाले, मित्र वाले, हमारी प्रॉपर्टी, मेरी रजिस्ट्री, मेरा वेयर हाउस और मेरा सब कुछ सत्य। ये सत्य नहीं, बदल जाएगा। आपके जाते ही नाम ट्रांसफर जाएगा। लोग कहते बेटा होना जरूरी है, सबसे पहले बेटे ही बदलता है, बदल तो सब गए हो गए। जिसके लिए जिंदगी खपा दी, सुख चैन गवा दिया, रातों की नींद खराब कर, पैसे कमाने में शरीर तक का ध्यान दे दिया, इतनी बीमारियां पा ली, वो धन मेरे उपयोग नहीं आ रहा है, मैं उससे धर्म भी नहीं कर पा रहा हूं, आपको मेरे उपयोग का भी नहीं। ये चेतावनी साफ करते हैं। संसरति इति संसार है, जो संसार रोज बदलता है वह संसार है, और जो कभी नहीं बदलता वो तुम्हारा परमात्मा है। तुम उसे छोड़कर संसार को बचते हो महाराज, यही उल्टी गंगा है। जो यहां से ऊपर ले जाने वाली कमाई है, वो कमाई न करके यहां छोड़ जाने वाली कमाई पर फोकस है। ये सत्य है, त्रिकालावादी सत्य, हर कालों में, हर कालखंड में जो सत्य है वही परमात्मा, वही गोविंद, वह चित्त, वह ज्ञान, वह प्रकाश। सूर्य की रश्मियां बंद नहीं होने देगा, वो अपना प्रकाश कायम रखता है। जो उजाला है, ज्ञान है, जिसे भी नाम दे रहा, और आनंद सत्य परमात्मा ने जोड़ा जो उन्हीं का एक नाम है। अरे भगवान आनंद को यदि बोलो तो वे श्री कृष्ण ही है, जिसकी यात्रा के लिए हम सब आप यहां बैठे हैं आज। हमें आनंद चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, हमें गोविंद चाहिए, बहुत तप चुके परमात्मा। जागो रे जिन जागना अब जीवन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोया पांव बसा, फिर क्या जागे नानका जब सोया पांव बसा। अपरिवर्तनशील शब्द है तीनों, सत्य और चित्त और आनंद, किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। आप तो अपने से ही देख लो कितने बदल गए हो, आप कितने बदल गए हो कभी महसूस किया? किसी दिन पुराना एल्बम निकालना, इतने से फोटो की फोटो देखना, फिर थोड़े से मूछ नहीं आई तब की फोटो, फिर बड़ी, फिर लाड़ी आई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री के साथ दे दी। डॉक्टर सात दिन की कथा इसलिए जरूरी भी है कि डॉक्टर यदि कोई कोर्स देता है, कितना है 5 दिन की दवा, ये 7 दिन की है, 15 दिन की, ऐसे ही खाना।
पेशेंट क्या करता है, दो दिन दवाई लेता है, तीसरे दिन की फेंक देता है, फिर एक दिन बाद फिर बुखार आ जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पूछता पूरी दवाई ली तुमने, नहीं साहब दो ही दिन ली, तब डॉक्टर को गुस्सा आता है, तो भले आदमी दवाई ले ली क्यों गए, तो दवाई यदि लेके जा रहे हो तो नियम और परहेज, हमारी भागवत ग्रंथ और साहित्य सबके थोड़े थोड़े नियम है, क्योंकि सृष्टि नियम से चलती है, परमात्मा नियम से चलता है। आप देखो कभी सूरज लेट उगा किसी दिन, चंद्रमा कभी लेट टाइम बदला क्या, सब अपने नियम से बंधे हुए हैं। और मेरे गोविंद ने छुट्टा मनुष्य को भेजा कि जा तुझे विवेक और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस मनुष्य देह में जन्म लेकर तेरे पास ये मनुष्य जन्म रूपी चाबी दी है तुझे, मोक्ष के द्वार इससे खुलने वाले, ये बेकुंठ का रास्ता होगा तेरे, मगर बात वहीं आ जाएगी महाराज कि हम दवाई टाइम टेबल से नहीं लेंगे और फिर परहेज भी नहीं करेंगे। बहुत सीधी सीधी सी बात है, जीवन में हम नियम से रहें, परमात्मा के भजन में रहें, और मनुष्य का जीवन जिनका अनुशासन में है उनका जीवन उठा के आप देख सकते हो। मैं तो कई बार आग्रह करता हूँ आप ग्रंथ भी मत पढ़ो मत सुनो, चलो आपके आसपास बिरादरी में रहने वाले लोगों के पन्ने पलटो, कैसी जिंदगी जी रहा है आपको सब पता है, हम सब बहुत ज्ञानी लोग हम सब जानते हैं, बस मानते कम। इसलिए इस संसार में जब हम आए हैं जन्म लेकर इसका कीमत समझे और मूल्य समझे। इसलिए मैं कह रहा था मैं फिर भूल जाऊंगा कि हम जितने बैठे हैं बहुत स्पेशल है, और मनोज जी मैं चाहूंगा कि नाम अलग से लिख देना, कल से जो आए तो अलग लिखना, मानसी मैं चाहूंगा कि सात दिन यदि आप में से भी कोई जाने वाले हो तो अलग बात है, यदि सात दिन टिकने वाले हो तो इस बार की कथा आपके लिए बहुत अनमोल हो ये सोच के बैठना। जिंदगी भर से सुनते आ रहे हो ऐसी कथा सुनने नहीं आए हो वृंदावन, मौज मस्ती करने नहीं आए हो, मनोरंजन करने तो कतई नहीं आया हूं, मनोभंजन करने आया हूं, मैं अपने मन को संवारूंगा संभालूंगा। और जब ऋषि मुनि कह रहे हैं कि ये देह बहुत अनमोल है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रजति अदम, अरे अदम है ये, यदि नहीं भजन करोगे तो, भजन करोगे तो यही नैया पार लगा दे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है ये देह न बारंबार, तरुवर क्यों पत्ता सड़े बहुरी ने लागेगा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, पत्ते टूटे डाल से ले गई पवन उड़ा, और अब के बिछड़े ना मिले पड़े। बहुत प्यार करो अपने आप से, कथा से प्यार हो जाएगा बाद में, आज से खुद से प्यार करना शुरू करना मेरी आपसे आग्रह है। लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करना सीखू, तुम कभी किसी बात करती हो, अच्छे कपड़े पहनता हूं, अच्छे श्रृंगार की सामग्री उपयोग करता हूं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं मेरे पास, अच्छी ज्वेलरी है मेरे पास, कैसी बात करी मैं अपना ख्याल ले रहा हूं। व्यास की आग्रह कर रही मेरे आपसे, क्योंकि ये गोविंद बैठे और आप सब गोविंद के हैं, ईश्वर जीव हम सब उसी के अंश हैं, क्यों नहीं चाहेगा परमात्मा कि आप मेरे जैसे हो जाओ। संसार में जितनी बहने वाली नदियां हैं अंततः उनका अंतिम लक्ष्य समुद्र ही है, घूम फिर के कहीं न कहीं से पहुंच के पहुंचेगी जरूर महाराज, ये आपके ऊपर है इस जीवन को कितना लंबा चलाओ।
84 लाख के बाद मौका मिला है फिर 84 में जाना है तो जाओ। यही तुझी साधने तेरे की होई, 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 तुम्हें नीचे बाहर सत्संग में बैठने का मौका मिल जाए ये पहली आवश्यकता है। हम परमात्मा को विवेक से पाएंगे, ज्ञान बहुत है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, बहुत ध्यान से सोचिए। भक्ति हम सब समझते हैं कि भगवान का भजन पूजन करना, रम जाना भक्ति, और ज्ञान हमेशा आग्रह करता हूं कि ज्ञान की परिभाषाएं आपने अंग्रेजी के नॉलेज शब्द से ली, भाई इसको बहुत नॉलेज है, इसका मतलब बहुत ज्ञान है ऐसा नहीं। और परिष्कृत करें इस शब्द को तो हम महाराज एक बात देखेंगे कि ज्ञान आप जैसे अभी हम लोग यहां बैठे ही हैं इससे उदाहरण समझे। आज की कथा में मैं इसलिए आपका एक अभिनंदन करूंगा, मैं अपनी तरफ से ताली बजाऊंगा, आपको पता ही नहीं क्यों मैं हर कथा में बैठते से ही बोलता भैया मोबाइल बंद कर लो, और आज आपने मोबाइल बंद कर रखे होंगे या साइलेंट पे होंगे या बीच बीच में देख भी रहे होंगे। देखो आपको एक बात तो पता है कि भगवान के सामने बैठा हूं और ऋषि परंपरा कहती कि साक्षात गोविंद है, और आपके सामने कोई कलेक्टर मंत्री खड़े हो तो क्या वहां फोन उठाओगे बात करते नहीं करते? पता है आपको ये पता है कि मैं भगवान के सत्संग में बैठा हूं और मुझे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ये पता है, नॉलेज है, ज्ञान है, फिर भी क्यों चालू है? क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक विवेक युक्त ज्ञान के परिष्कृत स्वरूप से ही आपका कल्याण होगा महाराज। अंग्रेजी में यदि इस शब्द को समझना चाहते हो कि विवेक को क्या तो बोलेंगे और आगे चलेंगे तो विजडम। हमको ज्ञान है इस बात का कि ये अच्छा है कि बुरा है, मगर हम उपयोग कर लेते हैं फिर भी बुरा जानते हुए भी। जैसे सिगरेट और तंबाकू के डब्बे पे लिखा रहता है इंजुरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी पीता है, फिर भी चलती है। ये दोनों चीजों से आप खोल खोल के दे दो छोड़ने की स्थिति में यदि आप रहे और इनका समझ में आ जाए कि सही में गलत चीज है, सही में समझ में आ जाए कि गलत चीज है, तो आप इससे समझना कि विवेक उत्पन्न हुआ है, और बिना सत्संग विवेक न हो फिर वो भी राम कृपा बिना, और उनकी जब कृपा हो जाए परमा की तो परमात्मा प्रेम से प्रकट होंगे।
हमें प्रेम करना सिखाया। प्रेम निर्मल मन से आया, निर्मल मन भगवान की कथा सत्संग में लगातार बैठने से ठीक हो जाता, क्योंकि ये मान के चलो कि यदि कोई कपड़ा अभी ज्यादा खराब नहीं हुआ है तो सर्फ एक्सल और साबुन सोडे से एक दो बार भी धोगे तो दाग निकल जाएगा, और यदि मैकेनिक का कपड़ा हो गया हो तो फिर मुश्किल। समझ लेना, समय है जीवन का, हम इसको जितनी सफाई कर सकते हैं भगवान के भजन से कीर्तन से साफ करते रहो। गोपाल कृष्ण भगवान नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी और 88,000 ऋषि बैठे हुए सत्संग, ये 88,000 ऋषि में जब भी बोलता हूं मुझे लगता है बहुत बड़ा शब्द, क्योंकि 5-10 लोग सीधे नहीं बैठते कथा, मैं आपके नहीं कह रहा, कथा बहुत अच्छी, मुझे तो लगता है बड़े बड़े पांडालों से कथा ये वाली बहुत अच्छी। अब तो ऐसा लगे मन की कोई कथा कराने की इच्छा करे तो बोलो भाई चल दो यार वृंदावन, वो खर्चा ज्यादा पड़े तो मेरे से ले लो भले ही, मगर चलो। एक व्यवस्था है, एक तीर्थ है, एक 7 दिन आनंद में हम लोग अपने गांव में करो, घर में करो तो लगता है कि चलो थोड़ी देर आप बिजी घूम लो, कुछ काम वहां का निपटा लें, तो रिश्तेदारों की व्यवस्था 50 जन इतनी प्रेम से कथा तो यही होता है। तो पुराणों में जब आती हर बार की कथा आती सत्यनारायण तो मुझे इतनी प्रिय कथा है मैं किसी दिन सुनाऊंगा, मेरे जीवन की सबसे प्रिय कथा है सत्यनारायण व्रत कथा, भगवान जी की सभी सब कथाएं प्रिय। 88,000 ऋषि बैठे, कथा यही से शुरू होती है, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सुनो गादी 88,000 ऋषि इकट्ठे होते पंडित जी, और एक समय की बात है भी नारद जी आते हैं, ये पक्के शब्द है भागवत पुराण के, और एक समय नारद जी आते एक बार मिले ऐसा शब्द कहीं आ जाए तो समझ जाना कि इसको भगवान जी मिलने वाले, एक बार नारद जी मिले मतलब भगवान मिल रहे हैं उसको, और एक समय ने भी सर ने तीर्थ में 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर भगवान का चिंतन कर, वो चिंतन क्या करते थे सब पुराणों में उन्हीं की कथा नजर आ, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है गोविंद, एक ही चिंतन है परमात्मा की शरणागति, जब एक लक्ष्य की तरफ सब चल रहे हो तो विवाद होगा नहीं। हम सबका भी एक ही मन है कि हम भगवान की कथा प्रेम से सुनेंगे तो यहां भी शांति, यदि किसी का मन नहीं लग रहा अपने को तो फोन भी बात करनी है तो फिर मुश्किल। मुझे समझ में नहीं आता महाराज घंटे दो घंटे के लिए जिंदगी में मोबाइल कितना जरूरी हो जाता, मेरी तो आपसे प्रार्थना है मेरी कथा में मोबाइल कोई चालू नहीं करता, हाथ जोड़ता, क्योंकि आप तो सुनते हैं कथा का मन भी बदलता है, क्योंकि कथा तो गिनती के तो लोग एक एक चेहरे को देख के कथा हो जाती है, और एक भी मन डिस्टर्ब दिखे और तो करते दिखे तो ऐसे लेकर कोई कर चलता आनंद होना चाहिए कथा में, यार कथा ही आनंद की है, और आपका मन भारी होने लगे कि अरे पंडित जी बहुत ज्ञान का डोज दे रहा, अब तो फिर तो नींद आएगी जाएगी, तो फिर कथा क्यों करी जाए, जब हम कह रहे कथा आनंद की है मन प्रसन्न करने की, आप भी माता हल्की करके आए करो, मैं तो बहुत सहल रहता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि भगवान के बारे में बोलने की औकात अपनी नहीं, भी इतने बड़े भी इतने विशाल इतने बड़े बड़े शास्त्र इतने इतने बड़े प्रवक्ता इतने इतने बड़े ज्ञानी दुनिया में भरे महाराज, मेरी तो प्रार्थना है उनसे कि मैं तुतलाती हुई वाणी में जो बच्चा अपनी माँ को पुकार के बोलता है माँ समझ लेती है बस मेरी वही वाणी है। हम तुम्हारे तुम हमारे बन गए हो सावरे, I'm
कृष्ण भाषा में बोले भगवान सुन लेंगे। वो भी प्रेम श्रवण पान कराया। बड़े बड़े दूर दूर से ऋषि महात्मा सब पधारे और उस कथा के प्रभाव से भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के साथ यौवन अवस्था को प्राप्त हो। बोले गोपाल तो हरिद्वार के तट पर भक्ति माता को ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के साथ महाराज सनकादिक ने कथा सुनाई। अब प्रश्न हुआ सनकादिक ऋषि से नारद जी ने प्रश्न किया, ये तो कथा आपने अच्छी बताई कि ज्ञान और वैराग्य जागृत होने में क्या किसी को मरने के बाद भी इस कथा से लाभ मिलता है, ऐसी कोई कथा है? हम सब जानते हैं कथा महाराज आत्मदेव की, धुंधकार की और गोकर्ण की, कितने कितने लोगों ने कथा सुनी आप मुझे? बोले गोपाल कृष्ण भगवान। अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको हमारी कथा में, सबको पूरा सुनना पड़ेगा बाद में, क्योंकि कभी भी एक कथा का इतना कम समय में पूरी कथा तो वैसे ही सुनाई जा सकती। हम दो चार पांच साल कथा सुनते रहेंगे साथ साथ तो बहुत आनंद आएगा। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी छोटी सी कथा है, आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, आत्मदेव शर्मा बड़े पंडित जी थे, बहुत विद्वान, ज्योतिष भास्कर कर्मकांड के ज्ञाता, वेद उपदेश के ज्ञाता, मगर उनके घर में संतान नहीं और उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी, और धुंधली रोज ताने मार काय की पंडित जी इतने पुधरना लिए घोर में घूम रहे, एक मोड़ा में कहीं गोपाल सहस्त्रनाम कुछ तो जतन करो महाराज। अब आत्मदेव शर्मा बेचारे सब अनुष्ठान करा चुके, संतान नहीं हुई, एक दिन दुख के मारे घर छोड़कर वन में चले, रोते जा रहे। वन में एक महाराज जी दिखे, सन्यासी ने देखा, एक गरीब एक ब्राह्मण, एक तो और ये बड़ी बात है कि मुंह से गरीब तुरंत निकल जाए ब्राह्मण बोलो। बोले गोपाल भगवान। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को महाराज जी ने आवाज दी, सन्यासी ने, आओ इधर, क्यों रो रहे हो? क्या भगवान के प्रेम में पागल हो गए इसलिए रो रहे हो? अरे नहीं, भगवान भगवान की तो बात करो ही मत मुझसे अभी, आप बहुत उपनिषद आपने अपनों को सब ध्यान कर, मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा पेड़ पर टक के। सन्यासी ने उसका माथा देखा, हाथ देखे, बाबा तेरे इस जन्म में क्या, तेरे सात जन्म में मोड़ा मोड़ा नहीं गया, और दूसरी बात क्यों संतान के लिए इतना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है? इतना ज्ञान उपलब्ध है, भगवान का भजन कर, संकीर्तन कर, मस्त। आत्मदेव शर्मा के लिए पंडित जी फालतू बात मत करो, कई पुराण भागवत हमने भी पांच दी, इसलिए कभी कभी होता है ज्ञान बोलने का अलग और जब जीवन के आचरण में आए महाराज तो बहुत कठिन होता है, पर उपदेश कुशल बहुत है, बातें तो करवा लो कोई सी बहुत अच्छी अच्छी। किसी शायर का शेर है कि बातें वो बहुत करता हूं जो मुझसे नहीं हो पाती, मैं अक्सर उनसे किया करता हूं। तो आत्मदेव कहने लगे मुझे मत समझाओ, मैं तो जा रहा आत्महत्या करने। सन्यासी को दया आई, झोली में से एक फल निकाला, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर संतान उत्पन्न। देखिए साहब, भगवान के लिखे को भी कोई टाल सकता है तो सिर्फ संत। संत दयालु है, संत हृदय नवनीत समान, इतना हृदय कोमल रहता संत का कि उनके सामने जीव की दुख देखा नहीं जाता। भगवान की बात को टाल दी और कह दी कि फल ले जाओ, और अपने घर आया और अपने धुंधली नाम की पत्नी को फल दिया महाराज। जैसे ही धुंधली को फल मिला, पंडित जी ने बोला कि इसको ग्रहण करो, आप गर्भवती हो जाओगे, सुंदर बालक उत्पन्न होगा अपने घर, आप प्रसन्न हो जाओ। पंडित जी ने तो
प्रसाद दिया, दूसरे दिन कई कथा पुराण वास में चले गए। अब इसको समझ में आए कि फल खाया तो प्रसव पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। महिलाओं से जानकारी थी कि बड़ा कठिन काम है ये, कि सरल नहीं है। अभी तक तो लड़ते थे कि जोर जोरी हो रहे, तो अब तो सही में हो जाएगा, इसका कष्ट कौन उठाए। अपनी एक सहेली को बुलाया, ये तकलीफ। उसने कहा चिंता मत कर, मेरे को बच्चा होने वाला है ठीक 8-9 महीने बाद, उसे तेरे को दे दूंगी और तेरे फल में गाय खड़ी सामने इसको खिला। षड्यंत्र शुरू हो गया महाराज भगवान के प्रसाद। उसको गाय को खिलाया और खुद झूठ मूठ के नाटक करते रहे पति के साथ, जैसा भी निभाया हो। उसके यहां संतान भी उसने लाके उनकी गोद में कर दिया। पंडित जी भी लंबी पुराण पर गए थे, हमारे यहां पहले होता था ना, उत्तर प्रदेश के पंडित जी निकलते थे 2-1 साल भी कर जाते। उनको सूचना भेजाई पोस्ट कार्ड से कि महाराज आपके घर में संतान हो गई, दौड़ तुम घर आए और नृत्य करने लगे। आत्मदेव वाह प्रभु खूब सुनी, आपने कृपा कर दी, हमारे जीवन में आनंद हो गए। धीरे धीरे प्रभु की माया से इधर इसको बालक आया, उधर गाय ने भी एक अच्छे सुंदर बालक को जन्म दिया। चूंकि गाय माता ने जन्म दिया, उसके कान था तो मनुष्य जैसे ही जी, सुंदर पुरुष, मगर कान उसके गाय जैसे लगे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। बोले गोकर्ण महाराज। और साहब जैसी विधि से बालक उत्पन्न हुआ षड्यंत्र से, तो जीवन वैसा ही रूपांतर हो रहा था। बचपन में ही शैतानी बदमाशी करने लगा बालक, थोड़ा बड़ा हुआ माता पिता को परेशान करने लगा, कभी पिताजी को मारता कभी माता को मारता, जो धन द्रव्य इकट्ठा था सब छुड़ा ले जाता। एक दिन गोकर्ण जी घर आए विद्या अध्ययन कर, पिताजी को बड़ा दुखी दिया, पिताजी से सारी बात समझी और गोकर्ण ने भागवत जी का उपदेश दे दिया। पिताजी आप तो स्वयं ज्ञानी हो, ये देह पंचायती धर्मशाला है, इसका क्या नाटक, क्यों इतना आसक्ति आप लगा के बैठे हो, आपको इतना तो समझता था भगवान संतान नहीं दे रहा था, मगर आपको जैसी मिली जिद करके लाए आप तो अपना भुजा बिस्तर बांधो, भगवान का भजन करो मन में जाओ। आत्मदेव पंडित जी ने पोथी बांधी, घर त्याग किया, मेरे गोविंद के दशम स्कंद का सतत और निरंतर पाठ किया और गोविंद को प्राप्त करने के लिए यात्रा में चल पड़े। और इधर धुंधकारी ने वेश्याओं को घर में लाना शुरू कर दिया महाराज, जो कुछ था उसको धन लूटा था। अब मां बची थी, मां से भी धन द्रव्य छुड़ा। एक दिन मां ने भी परेशान होकर घर के अंदर जो कुआ था उसमें छलांग लेकर आत्महत्या कर, पूरा घर बिगड़ गया। और आखिरी में उन वेश्याओं ने भी जितना धन छूटा और धुंधकारी की हत्या करके उसी घर में गड़ा दिया। एक दिन गोकर्ण महाराज आए, अपने घर के बाहर बैठे चबूतरे पे सो गए, धुंधकारी भूत बना हुआ प्रकट होता, कभी यहां दिखता कभी। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल के छींटे मारे, प्रकट हुआ कौन हो तुम। धुंधकारी कहने लगा मैं तेरा बड़ा भाई, मेरी मुक्ति का कोई उपाय आप ही करें। प्रातः काल होते ही गोकर्ण ने अपने इष्ट देव सूर्य नारायण भगवान को जल अर्घ दिया। प्रार्थना करने लगे मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय तो बताए प्रभु। आकाशवाणी हुई कि इसके लिए कोई सत्कर्म करे। और साप्ताहिक भगवान प्रभु श्री कृष्ण के प्रतिपाद्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, इसीलिए 7 दिन की कथा भी तब से ही रखी गई। और 7 दिन की कथा के पीछे कई आयोजन कई निमित्त, यदि क्रम चलता है सोमवार से इतवार का तो इसलिए 7 ही दिन है, आपके पास भी 7 दिन है, परीक्षित के पास भी 7 ही दिन थे, आपकी जिंदगी में भी 7 ही दिन है। जब भी जाओगे होगा बुधवार गुरुवार शुक्रवार कोई दिन यही होना है, इन 7 दिनों में सब है। उस 7 दिन की कथा का गोकर्ण महाराज ने बहुत सुंदर आयोजन किया और उस कथा के प्रभाव से महाराज शंकादित कहते हैं कि नारद जी
उस कथा के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो। Thank you.
राधा रानी का सभी को पूजन करना है, इसके बाद में तरंग आरती होगी और सभी को नृत्य करना है। वो Thank you.